केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी ने जश्न मनाया तो वहीं तपती धूप में हमीरपुर में कांग्रेस ने महंगाई दिवस मनाया। इस मौके पर भोटा चौक में एकत्रित होकर कांग्रेस नेताओं ने हाथों में थाली लेकर मोदी सरकार को जमकर कोसा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया की अगुवाई में चिलचिलाती धूप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ADC के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जिला के सुजानपुर, भोरंज, नदौंड और बड़सर में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अगर आगामी दिनों में महंगाई कम नहीं हुई तो इसी तरह कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार मिटाने, बेरोजगारी दूर करने के वायदे किए थे लेकिन वे सब खोखले साबित हुए हैं और लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, जिस कारण कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गई है। वो प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष की ओर से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से पूरे राष्ट्र स्तर पर, इस ब्लॉक स्तर पर आज एक महंगाई दिवस मनाया गया और हमीरपुर जिला में सभी ब्लॉकों के ऊपर महंगाई दिवस के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने वहां पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और आज का जो एक एजेंडा था वो एजेंडा ये था कि जिस तरह से पूरे 4 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, परंतु 4 साल के कार्यकाल के अंदर ना तो भ्रष्टाचार मिटा है और ना ही कहीं महंगाई कम हुई। आज पेट्रोल और डीजल के दाम देखेंगे तो चरम सीमा पर हैं और दालों के भाव, रोजमर्रा की जो आम लोगों की जो जीवन में जो जरूरतें हैं वो आज महंगाई के उस दौर से गुजर रही हैं। और इस तरह से जो पूरे के राष्ट्र स्तर पर, और आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी जब से सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, यहाँ पर भी हत्याएं तथा रेप के केस बहुत ज़्यादा हुए हैं और सरकार जो है कानूनी तौर पर ऐसे रोकने में असफल रही है और भाजपा सरकार जो है वो पूरी तरह से असफल है और असफल रही है अपने कार्यकाल के अंदर। कांग्रेस इसका आज महंगाई दिवस के रूप में मना रही है और आगे चलकर भी अगर इस तरह से ही महंगाई बढ़ती रही और आम जनता को राहत नहीं मिली तो, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस नहीं ली तो कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी और इस तरह से विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने भी कहा कि दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है और सारा कनेक्शन गुजरात से बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों तक केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। वो कहां से कहां पहुंच गया, जब हमारी सरकार थी 135 रुपए बैरल डॉलर बैरल थी, 145 रुपए डॉलर थी, लेकिन आज 60 रुपए 70 रुपए भी अगर बैरल हुई तब भी इनका जो पेट्रोल है वो 75 और 78 रुपए में बिकना शुरू हो गया और कई राज्यों में 85 पहुंच गया। और अभी आज रात को हम सुन रहे थे कि 2 रुपए और बढ़ने जा रहे हैं। तो लगता है कि जिस तरह ने लोगों को झूठे वादे करके ठगा है, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, न 2 करोड़ नौकरियां, न 2 लाख नौकरियां, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है इनको 4 साल काम करने का समय दिया। अब हम इनके साथ जो है विरोध पक्ष का जो जिम्मेवारी है वो और तेजी से निभाएंगे, सड़कों में भी निभाएंगे, संसद में भी निभाएंगे। हमारी पार्टी संसद में भी निभा रही है, अब हम सड़कों पर आए हैं और आने वाले कल जो है जिस मोदी ने नौजवानों के लिए 2 करोड़ की नौकरियां दी उनको पकौड़े बनाने की जो है वो सलाह दे रहे हैं। अगर पकौड़े बनाने के से नौजवान जो जिसने BTEC की है, MTEC की है, PhD की है, क्या वो पकौड़े बना के अपनी मैं पढ़ाई का इसमें उसके पास पढ़ाई उसकी पढ़ाई को देखते हुए वो पकौड़े चलेगा तो क्या ये बात वाजिब लगेगी? लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह बाई देखी है हम चाहेंगे उनको पूरा करे कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन जो नहीं तो जारी रखेगी। धन्यवाद।